आप सभी का स्वागत है दोस्तों रंगभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज केमिस्ट्री का एक बेहतरीन कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल लाया हूं। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में कहा कि सर प्लीज केमिस्ट्री पर भी न्यूमेरिकल बनाइए। तो लीजिए बच्चों, आप सभी को समर्पित है। कल से ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर देखकर जाना क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो देखिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है मोल कंसेप्ट पर है, मोल अवधारणा संकल्पना पर है, जिससे दोस्तों परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आइए पहले हम सब समझते हैं कि मोल का मतलब होता क्या है, मोल क्या चीज है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर परिभाषा देख रहे हैं, मोल एक ऐसी संख्या है जो किसी भी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की निश्चित संख्या को बताता है। अब इसी निश्चित संख्या को एवोगैड्रो ने ये बताया कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु, अणु तथा आयनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 6.022 × 10³। यही ना होती है दोस्तों। तो इसी को ही दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। शॉर्ट में हम इसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कैपिटल एन सफिक्स ए भी लिखते हैं। तो एवोगैड्रो संख्या क्या है, बिल्कुल मोल परिकल्पना जो है एकदम उसका आधार है कि मोल, देखिए दोस्तों, एक ऐसी संख्या होती है ना जो सभी किसी भी पदार्थ में उपस्थित उसके परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या तथा आयनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। और एवोगैड्रो ने यह बताया कि किसी भी एक पदार्थ के एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10³। और इसे ही बाद में एवोगैड्रो नाम दे दिया गया। अब जो टर्म है मोल, मोल का मतलब ही होता है दोस्तों कलेक्शन। मोल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कलेक्शन, जमा करना, इकट्ठा करना। तो देखिए, किसी पदार्थ में, एक परमाणु में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में 6.022 × 10³ परमाणुओं का समावेश है, इकट्ठा है, इसलिए उसे एक मोल कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो देखो, ये एक बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट था। अब दोस्तों मैं आपको आज के इस वीडियो में एक बेहतरीन फॉर्मूला बताऊंगा और उस पर धुआंधार न्यूमेरिकल कराऊंगा। बस यही आपको जानकर रखना है दोस्तों, एक अंक बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फॉर्मूला ये बनता है कि मान लीजिए, जैसे आपको कहा जाए कि किसी भी पदार्थ के मोल की संख्या, अगर आपको मोल की संख्या अगर आपको पता करनी है, तो अगर पदार्थ का द्रव्यमान दिया रहे तो आप क्या लिखोगे, तो एक बेसिक फॉर्मूला ऐसे जान लो, मोल की संख्या का फॉर्मूला होता है पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान। देखो मैं लिख दे रहा हूं, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे में होता है उसका आणविक सूत्र द्रव्यमान, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, आणविक सूत्र द्रव्यमान। बस इन्हीं दोनों का रेशियो करके जो आएगा बच्चों, यही हो जाएगा मोल का संख्या। अब ये बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये आणविक सूत्र द्रव्यमान क्या है। तो मेरे बच्चों, आणविक सूत्र द्रव्यमान ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। मान लीजिए H2O जल का सूत्र होता है, आपको पता है। तो अब इसका आणविक सूत्र द्रव्यमान अगर आपको निकालना रहे, तो देखो हमें पता है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, एक, यहाँ पर दो परमाणु है तो दो से गुणा कर दीजिए। ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो ये देखो 16 × 2 = 18। तो ये 18 जो हो गया, क्या हो गया, जल के आणविक सूत्र का द्रव्यमान हो गया। ठीक उसी प्रकार एक एग्जांपल और समझ लो, जैसे CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का अभी मैंने बताया एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। मगर यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, दो है, तो दो से गुणा कर दीजिए, तो 16 × 32 और 12 कितने हो गए मेरे भाई, 44। तो आप कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना है, 44। तो देखिए दोस्तों, इस कंसेप्ट पर आधारित आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है या सिंपल MCQ टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है GK के या साइंस के पैटर्न पर। तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। एक और फॉर्मूला है दोस्तों, चलिए उसे भी समझा देता हूं। बस इन दो फॉर्मूले से आपको परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आएगा, ये बात की गारंटी है। तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अब अगला जो फॉर्मूला है मेरे बच्चों, इसे थोड़ा गौर से देखिएगा जो अब मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए, अगर मोल की संख्या आपसे पूछी जाए, मोल की संख्या, तो एक और फॉर्मूला होता है मोल की संख्या ज्ञात करने का, और वो फॉर्मूला है अणुओं की, पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या।
तो जब अणु की बात की जा रही है तो उसे डिवाइड करना है, हमें पता है ना, एवोगैड्रो नंबर से। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है मेरे बच्चों, इसे अच्छे से याद रखिए, इससे भी आपको न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा होगी। दोनों से देखिए, हमने मोल की संख्या ही ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप के आपको दो बेसिक फॉर्मूला, मोल की संख्या बराबर हो जाता है अणुओं की संख्या बटे में 6.022 × 10²³। अब ये क्या है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों इसे अच्छे से समझ लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इसे जरा अच्छे से पढ़िए। देखिए कहा गया है कि 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे। अब देखिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है, 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 88 ग्राम CO2 है, तो यानी यहां पर ग्राम यानी मास दिया गया, द्रव्यमान दिया गया और उसमें पूछा जा रहा है कितने मोल होंगे। तो मोल की संख्या का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मोल बराबर क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान बटे में क्या होगा, आणविक सूत्र द्रव्यमान। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक सूत्र द्रव्यमान आपको मैंने क्या बताया निकालना, तो देखो कार्बन हो गया भैया 12 और ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 और 2 है तो 16 दुना 32 यानी कि टोटल हो गया 44। तो यानी यहाँ पर आप 44 बिठा दोगे, ये इससे भाग दे दो तो देखो कितना आ गया। तो मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2 मोल आ गए। किसमें दोस्तों, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। आगे बात समझ में, तो देखो इस प्रकार का नंबर ऑफ मोल्स पर आधारित आपको एक जबरदस्त क्वेश्चन परीक्षा में जरूर मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए अब हम चलते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इसे जरा अच्छे से समझिएगा। कहा गया 0.1 ग्राम जल में H2O में कितने मोल होंगे। तो फिर देखो ग्राम दिया गया यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान वाला फॉर्मूला लगाओगे ना भाई, तो देखो मोल की संख्या बराबर क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान यानी 0.1 ग्राम दिया है। अब सोचिए दोस्तों जरा, आपको 0.1 ग्राम जल का दिया है और आपको ये पता होना चाहिए कि जल का आणविक सूत्र द्रव्यमान यानी मोलिकुलर फॉर्मूला वेट कितना होता है। तो हाइड्रोजन का एक होता है, 2 परमाणु है तो 2 से गुणा कर दिया, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 × 16 = 18 यानी आपको 18 से यहाँ डिवाइड कर देना है। अब देखो दशमलव के लिए एक जीरो आ गया, ये उड़ गया तो कितना हो गया, 1/180 मोल। तो यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा कि कितने मोल होंगे 0.1 ग्राम जल में, तो 1/180 मोल। तो देखिए इस प्रकार से आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूले को भी समझा देता हूं, जिसमें मोल की संख्या बराबर अणुओं की संख्या बटे 6.022/10³ था। चलिए उस पर भी मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद धुआंधार परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों जैसा कि आप प्रश्न देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या क्या होगी। तो मेरे बच्चों देखिए अणुओं की संख्या अगर पूछी जाए तो आपको याद रखना है कि अणुओं की संख्या से रिलेटेड मोल का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो अभी मैंने बोला था कि मोल संख्या बराबर पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या है ना, यही ना अभी मैंने आपको बताया था, अणुओं की संख्या बटे में 6.022 × 10³। अब देखिए थोड़ा फॉर्मूला हमारा बदल गया है क्योंकि यहां अणुओं की संख्या पूछी जा रही है। मगर एक चीज आप सोचिए, आपको दिया गया है दशमलव, यहां पर देखिए 4.4 ग्राम CO2 में कितने अणु होंगे। तो पहले तो देखिए दोस्तों हमें ये चीज निकालनी है, अणुओं की संख्या ये है तो वैल्यू हमें दी गई है, यानी हमें मोल की संख्या भी पहले निकालनी पड़ेगी। तभी तो देखिए यहाँ 3 पैरामीटर है, तो 2 का मान अगर आपको पता हो तभी तो आप तीसरे को निकाल सकते हैं। तो देखो ये तो हमें हमेशा गिवन रहेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मगर मोल की संख्या हमें निकालना है। तो देखिए 4.4 ग्राम CO2 में अणु मोल की संख्या कितनी होगी। तो मैंने अभी बताया ना कि दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक सूत्र द्रव्यमान, तो अभी मैंने CO2 44 निकाल के दिखाया था, आपने अगर इसे डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 1/10 है ना, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए 1/10 तो मोल की संख्या आ गई। तो क्या मैं यहाँ मोल की संख्या में 1/10 अगर पुट कर दूं और इसे अगर इधर ले जाता हूं तो ये गुणा हो जाएगा 6.022 × 10³ बराबर आपको अणुओं की संख्या मिल जाएगी, मिल गई ना दोस्तों। तो देखिए इस तरह से सॉल्व किया था। अब 1/10 इसमें से, ये 10³ में से माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे है, तो क्या हो जाएगा 6.022
2 इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा 22। तो यही हो जाएगा रिक्वायर्ड अणुओं की संख्या, यही आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये दो बेसिक जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, इसमें आप रट्टा मार लो भैया कि आपको इस पर से एक क्वेश्चन आएगा ही। और मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को केवल शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आपको कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इसे अच्छे से समझिए, मैं तुरंत चुटकियों में आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। देखिए कहा गया कि ऑक्सीजन के दशमलव तीन मोल का द्रव्यमान बताएं। तो मेरे बच्चों वर्बली भी आप इसे बना सकते हैं, मगर देखिए मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाता हूं कि दशमलव तीन मोल, तो सबसे पहले बोलिए ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो क्या है, O2 है ना, ये ना होता मेरे भाई। अब आप मेरे को बताइए कि ऑक्सीजन के जो ये जो सूत्र है इसको, इसमें कुल कितने परमाणु होते हैं? तो आप कहेंगे भैया कि इसमें 6.022 × 10³³ परमाणु होते हैं, क्योंकि एक मोल है। तो इसका भार कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16, तो ये 16 दुना कितना हो गया, 32 है ना। तो ये क्या होता है, एक मोल हो जाता है मेरे बच्चों, ये तो एक मोल होगा ना। तो यानी आपको पता है कि एक मोल का भार जो है कितना है, 32। तो 0.3 मोल का भार कितना होगा, तो यानी आपको सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 3 × 6, 3 × 9 दशमलव आ जाएगा, यानी 9.6 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो देखो ये है बेसिक कंसेप्ट, ऐसे सवाल आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। अगला सवाल देख लो मेरे बच्चों, कहा गया है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या। तो अब मेरे बच्चों पानी यानी कि जल यानी कि H2O, तो अब जरा इसमें सोचो कितना होगा, एक परमाणु का भार एक, यहाँ दो परमाणु है, 2 + 16 कितने हो गए, 18। यही तो हुआ ना भैया एक मोल, आणविक सूत्र के द्वारा जो वजन आया यही वजन तो बराबर एक मोल होता, और एक मोल में 6.022 × 10³³ परमाणु होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है कि यहां पर अब देखिए आपको कहा गया है कि 90 ग्राम, तो आपको पता होगा कि 18 ग्राम जल में कुल कितने मोल होते हैं मेरे बच्चों, एक मोल होते हैं, एक मोल कहा जाता है इसे, एक मोल। तो 90 ग्राम में कितना होगा भैया, तो देखो जस्ट इसका 5 गुना, यानी 90 बटा में 18, 18 बचे 90, यानी कि 5 मोल। तो देखो क्या हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। देख रहे हैं बच्चों कितनी आसानी से कंसेप्ट समझाया और अब क्वेश्चन करा रहा हूं, मजा आ रहा है ना दोस्तों। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। अगला प्रश्न देखो बच्चों, उड़ा दिया जाएगा फटाफट, अब इसे जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि ये देखते हुए कि ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है तो ओजोन का अणु भार क्या होगा। तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है कि जब ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का भार, यानी कि ओ आपको पता होना चाहिए कि ओ कितना है मेरे भाई, 16 है ना, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होगा भैया, 16। तो O3 यानी ओजोन के अणु भार, ओजोन का अणु भार क्या होगा, तो सिंपल सी चीज याद रखना मेरे भाई, O3 कितना होता है, ओजोन का फॉर्मूला यही ना होता O3, तो O का होता है 16 और यहाँ पर कितना है 3, तो 16 × 3 = 48, यानी आप आंसर कह सकते हैं कि 48 ग्राम है ना, और प्रति मोल, क्योंकि एक मोल में 16 तो 48 हो जाएगा उसका प्रति मोल। तो देखो यहाँ ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, 48 ग्राम प्रति मोल। तो देखिए ये आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक मोल क्या हो जाता है भैया, 16 ग्राम, तो 3 मोल में 48, तो 48 ग्राम प्रति मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखो इस तरह से लैंग्वेज बदल बदल के परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों, सावधानी आपको ये रखनी है कि कहीं पर भी आपको कंसेप्ट की कमी नहीं होनी चाहिए ताकि परीक्षा में कोई प्रश्न आपका छूट जाए, तो ऐसा नहीं करना है मेरे बच्चों। अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। तो क्या करना है भैया, नाइट्रोजन के 0.5 मोल के द्रव्यमान निकालना है। तो पहले ये बोलो मेरे बच्चों कि नाइट्रोजन के एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है मेरे बच्चों,
एक मोल का द्रव्यमान, तो आप कहेंगे कि भैया नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 14, तो 14 यहाँ पर 14 है और दो परमाणु यानी 14 दूनी 28 ग्राम, तो यानी ये समझ में आ गया कि एक मोल का जो हमें द्रव्यमान है कितना है 28 ग्राम। तो कहा जा रहा है कि 0.5 यानी इसके आधा का, तो इसका आधा होगा यानी 0.5 मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 28 बटे में क्या हो जाएगा 14 है ना भैया, तो देखो 28 और ये एक नीचे और 0.5 ऊपर, एक नीचे 0.5 ऊपर, तो इसके लिए एक जीरो आ जाएगा, 5 दुनी 10, 2 से कट गए 14 बार में, यानी सिंपल देखो एक मोल है तो आधे का तो आधा ही ना होगा, तो 28 का आधा 14। मैं आपको समझाने के लिए डिटेल में पूरा एक एक नियम से बता रहा हूं, मगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ये मुझे ऐसा आशा करता हूं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए मेरे बच्चों, एकदम बेसिक जीके वाला क्वेश्चन है, साइंस पर आधारित, बिल्कुल देखिए मोल कंसेप्ट पर। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या बताएं। तो मेरे बच्चों एक मोल में कुल कितने कण होते हैं, तो अभी तो मैंने बोला कि एक मोल का बराबर हो गया उसमें 6.022 × 10³³ होगा भैया कण, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको सही दिख रहा होगा भैया, है ना, तो देखो इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। कहा जा रहा है कि सोडियम के 3 मोल है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है। कुछ भी नहीं करना, देखिए सोडियम के 69 ग्राम में कितने मोल दिए हैं, 3 मोल, तो यानी एक मोल का भार ही तो होगा ना उसका परमाणु, सोडियम का परमाणु का द्रव्यमान, तो यानी आपको यह लिखना है कि परमाणु द्रव्यमान जो आपसे पूछा जा रहा है सोडियम का, तो पहले ये देखिए कि उसको दिया गया द्रव्यमान कितना है, 69 ग्राम है, लिखा है ना, दिया गया है, और इस 69 ग्राम में कुल कितने मोल उपस्थित है, तो 3 मोल, तो भैया 3 मोल से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे एक मोल का मान नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, 3 × 6 = 3, यानी कि कितना हो जाएगा 23 ग्राम। तो देखिए भैया ये आपके प्रश्न का जवाब हो गया 23 ग्राम। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करें बच्चों, तो यानी ऑप्शन नंबर देखिए सी आपको दिख रहा होगा 23, ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो मेरे बच्चों, कहा जा रहा है कि हीलियम के 64 ग्राम में कुल कितने मोल मौजूद होंगे, तो देखिए मोल की संख्या पूछा जा रहा है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है, दिया गया द्रव्यमान कितना है 64 ग्राम है, और आपको यह पता होना चाहिए कि आणविक सूत्र द्रव्यमान यानी कि उसका परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान हीलियम का कितना होता है, तो हीलियम के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है मेरे भाई वो 4 होता है, तो 4 से डिवाइड कर दो तो 4 से कट गया 16 बार में, है ना भैया, तो आंसर क्या आ जाएगा 16 मोल, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा मोलों की संख्या 16 मोल होंगी। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है मेरे बच्चों यहाँ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा 16 मोल। अगला प्रश्न देखें मेरे बच्चों, देखिए कहा गया है कि नाइट्रिक एसिड में 63 ग्राम में कितने अणु मौजूद होंगे, तो मेरे बच्चों एक सिंपल सी चीज है, आपको सबका आणविक सूत्र द्रव्यमान तो याद होना ही चाहिए, वो आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आज के वीडियो को ही देखने से आपको बहुत सारे तत्वों का आणविक सूत्र द्रव्यमान ऐसे ही याद हो जाएगा, एक परमाणु का भार ऐसे ही याद हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले कहा गया नाइट्रिक अणु, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है HNO3, है ना, नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है HNO3। अब अगर मैं इसका आणविक सूत्र द्रव्यमान निकालूं तो सबसे पहले आप बोलिए हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है 1, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है मेरे बच्चों 14, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है 16, मगर यहाँ पर 3 परमाणु है तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 16 × 3 = 48 और 14 कितने हो गए 62 और 1 = 63, यानी कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल के, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के जो ये फॉर्मूला है इसका कितना हो गया भार मेरे बच्चों 63, यानी कि एक मोल का भार कितना हो गया मेरे बच्चों 63, है ना, तो यही तो पूछा जा रहा है कि 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं। अब देखो यहाँ अणु आपको पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि मोल की संख्या क्या हो गई, एक ही ना होगी, तो मोल की संख्या कितनी हो गई, देखो सिंपल सी चीज है, तो नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, देखो कितना बेहतरीन कंसेप्ट है, नंबर ऑफ मोल यहाँ कितना आएगा मेरे भाई, तो दिया गया भार,
है ना, तो 63 ग्राम ही तो आपको भार दिया था, और आणविक सूत्र द्रव्यमान आपने कितना निकाला, 63 दिया गया द्रव्यमान, 63 आणविक सूत्र का दिया गया द्रव्यमान 63, तो इसे अगर मैं कटा दूं तो 1 ही तो आ रहा है, यानी मेरे बच्चों यहाँ नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 1। तो जब नंबर ऑफ मोल 1 आ रहा है तो एक मोल में कुल कितने अणु होते हैं मेरे भाई, 6.022 × 10³, यही तो होगा ना। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 10³ जहाँ आपको दिख रहा है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से कितनी आसानी से चुटकियों में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है मेरे बच्चों, है ना। तो देखिए चलिए समझ में आ गया होगा आशा करता हूं, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों एक ही चीज घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, तो परीक्षा में कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझाया उस पर ही गौर करिएगा। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होंगे, है ना। तो अब मोल आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो मेरे भाई मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, जब आपको द्रव्यमान दिया रहे तो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक सूत्र द्रव्यमान। तो मेरे बच्चों यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना द्रव्यमान दिया गया है, 25 ग्राम, और आणविक सूत्र द्रव्यमान क्या होता है मेरे बच्चों, तो सबसे पहले H2SO4 का आणविक सूत्र द्रव्यमान आप निकाल लीजिए, और एक बार निकाल लोगे तो इससे साइड में लिख लेना, मेमोराइज कर लेना, ताकि H2SO4 परीक्षा में दिखे तो डायरेक्ट मेरी तरह आप 98 लिखना सीख जाए, है ना। कैसे देखो, हाइड्रोजन का 1-2 परमाणु है तो 2 से गुणा, प्लस सल्फर का 1 परमाणु का भार होता है 32, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का भार होता है 16, और 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, 16 × 4 = 64। आ गया बात समझ में, तो देखो 64 यानी 4 × 2 = 6, 2 = 8, और यहाँ पर 6 × 3 = 9 यानी 98 आ गया मेरे भाई, मैं कह सकता हूँ 98 ग्राम। तो लो भैया अगर मैं यहाँ ग्राम भी लिख दूं तो ये तो कट गया, मोल तो एक प्रकार की संख्या है, तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25/98, अगर आप इसे मेरे बच्चे भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा 0.255 मोल। तो देखिए इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.255 मोल, तो डी को आप टिक कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से परीक्षा में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे ही, इस पर MCQ भी मिलेगा, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए, आपका एक अंक पक्का हो ही गया समझो। देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड के 0.5 मोल में कितने अणु होंगे, तो मेरे बच्चों ये बताओ ना कि एक मोल में कितने अणु होते हैं, 6.022 × 10³। तो KCl हो, FeSO4 हो, जल हो, चाहे जो कोई भी हो, किसी भी पदार्थ या यौगिक का एक मोल में इतना ही अणु होता है, यही तो है वो गैड्रो संख्या है। तो अब अगर उसके 0.5 मोल में पूछा जाए कितने अणु है, तो यानी कितना होगा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5×6 = 30, देखिए सब में दिया गया है, गुणा करके आपका आ जाएगा 3.01 × 10³। तो देखो भैया 3.01 × 10³ आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो 3.01 × 10³ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर पूछा गया था KCl, अगर मैं बोल देता कि भैया H2SO4 के 10.5 मोल में कितने अणु होंगे, तो उसका भी आंसर यही होता। अगर मैं कहता कि भैया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 10.5 मोल में कितने अणु होंगे, तो उसमें भी यही होगा, क्योंकि यही तो है भैया एवोगैड्रो संख्या, जो किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या है, जो कि है 6.022 × 10³, ये फिक्स है, बस पदार्थ बदलते जाएंगे, यौगिक बदलते जाएंगे, मगर मोल अगर एक मोल की बात करेंगे तो ये कभी बदलेगा नहीं बच्चों, ये हमेशा सेम रहेगा। आई होप आपको मजा आया होगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन है, चलिए उसे भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, और इतना क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक अंक दिलाने के लिए बिल्कुल काफी होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रश्न में कहा गया है कि 540 ग्राम ग्लूकोज में अणुओं की संख्या, उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों आपको ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, तभी तो बना पाओगे, तो C6H12O6 यही ना होता है ग्लूकोज। तो अब बताइए ग्लूकोज का आणविक सूत्र द्रव्यमान आपको निकालना बहुत जरूरी है, तो कार्बन के 1 परमाणु का भार होता है 12, यहाँ 6 परमाणु है 6 से गुणा, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 12 परमाणु है तो 12 से गुणा,
ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है 16, 6 से 6 परमाणु है तो 6 से गुणा। तो देखिए भैया, अब मैं इन सबको अगर गुणा करके जोड़ूं तो कितना आ रहा है, 180। यानी ग्लूकोज के आणविक सूत्र का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, 180। आपको दिया गया 540 ग्राम ग्लूकोज में अणुओं की मोल की संख्या, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल यानी मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे में आणविक सूत्र द्रव्यमान, यानी 18 * 54 यानी 3, यानी आंसर हो जाएगा आपका कितना मेरे भाई, 3 मोल। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा होगा, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखो मेरे बच्चों, इस प्रकार से सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे मोल कंसेप्ट पर, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आए मेरे बच्चों तो इसे थोड़ा गौर करके देख लीजिएगा। अब देख लो मेरे बच्चों, एक सवाल और जो मेरे दिल को छू जाता है, जो परीक्षा में मुझे लगता है कि आ सकता है, और पहले भी ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। कहा जा रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होंगे, तो मेरे बच्चों 1 ग्राम हाइड्रोजन में कुल कितने अणु होंगे, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले ये बताओ मेरे भाई, हाइड्रोजन का 1 ग्राम अणु यानी उसे मोल में अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करोगे। देखो चुटकियों में होगा, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिया गया द्रव्यमान ऊपर बटे में आणविक सूत्र द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना होता है, एक परमाणु का भार 1 है, यहाँ 2 है तो 2 से गुणा कर दिया यानी 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल कितना मिल गया, 0.5 यानी आधा मोल। तो अब बताओ हाइड्रोजन हो चाहे जो भी हो, उसके 1 मोल में कितने अणु होते हैं मेरे बच्चों, तो 6.022 × 10³। तो आपको 0.5 में पूछा जा रहा है, यानी कि जस्ट इसका आधा, तो 3.01 × 10³ कर ही सकते हैं। तो देखिए आंसर तो वही आ गया घूम फिर करके, आ गई बात समझ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा दोस्तों, 1 नंबर पक्का लेकर आ रहा है आपके परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।